दिल्ली में जारी रहेगा येलो अलर्ट, कोरोना के आंकड़े 900 के पार। क्या राजधानी में इंटरनेशनल ट्रेवलर्स बढ़ा रहे हैं ओमिक्रॉन की संख्या? जानिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा इस पर। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। दिल्ली में ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो समझिए पूरा प्रोसेस। और फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो की कौन से लिस्ट में टॉप किया दिल्ली वाले ने, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे के चलते अगले कुछ दिन ग्रैब का येलो लेवल ही लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला हुआ है। कल शाम 4 बजे DDMA की बैठक हुई थी। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कई एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। बैठक में फैसला किया गया कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए बाकी पाबंदियों पर फैसले लिए जाएंगे। ऐसे फैसले तब की स्थिति को देखते हुए अगली DDMA की मीटिंग में होंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। कोरोना के मामले बढ़ने के बीच DDMA ने मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और जिम तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही दुकानों, सरकारी परिवहन समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों की वजह से दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और कालकाजी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं कोरोना के नए आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 923 मामले सामने आए हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कलेक्टिव केसों की संख्या 2191। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% के आसपास पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को COVID-19 के 496 नए मामले सामने आए हैं। जैन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन का असर कम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 50 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी मामले आए हैं वे बाहर से आने वाले लोगों में ओमिक्रॉन ज्यादा हुआ है। जैन ने दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के पीछे की वजह भी समझाई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में इंटरनेशनल ट्रेवलर्स दिल्ली आते हैं, एयरपोर्ट पर उनकी टेस्टिंग होती है, उनमें से कई पॉजिटिव आते हैं। बहुतों को दिल्ली से बाहर जाना होता है मगर चूंकि वे पॉजिटिव दिल्ली एयरपोर्ट पर पाए जाते हैं तो उन्हें यहाँ ही क्वारंटीन किया जाता है। जैन ने कहा कि 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के कारण केस में बढ़ोतरी हुई है। सरकार दिल्ली में रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। DDMA की बैठक में आगे के निर्णय लिए जाएंगे। जिन वैक्सीनेशन सेंटर में अब तक वैक्सीन दी गई है उन्हीं सेंटर में बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों और पुलिस के बीच तनाव बना हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कोविड प्रतिबंधों का हवाला देते हुए उनसे प्रदर्शन वापस लेने की मांग की है। दिल्ली पुलिस के ACP BS यादव ने कहा कि डॉक्टर दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहां येलो अलर्ट जारी हो चुका है। हालांकि प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टरों के संगठन ने कहा है कि उनकी हड़ताल अभी भी जारी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस ने येलो अलर्ट का हवाला दिया है, हमारी हड़ताल अभी भी जारी है। हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब हमसे लिखित में माफी मांगे। बैठक में निर्णय लेंगे कि हड़ताल जारी रखनी है या खत्म करनी है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने NEET PG 2021 काउंसलिंग में देरी पर अपना आंदोलन तेज किया है, लेकिन विरोध एक नाटकीय मोड़ तब ले लिया जब डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों का सड़कों पर आमना सामना हुआ, जहां दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि हाथापाई में कई लोगों को चोट लगी है। वहीं पुलिस ने अपनी ओर से लाठीचार्ज या अभद्र भाषा के इस्तेमाल के किसी भी आरोप से इनकार किया है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर कोरोना संक्रमण के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस यात्रा के तहत 3 जनवरी से यात्राओं का दौर शुरू होना था, मगर दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लागू हुए ग्रेप के बाद सरकार इस बारे में फिर से समीक्षा करेगी। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने 21 फरवरी तक 11 तीर्थ स्थलों की यात्राओं के लिए ट्रेनें निर्धारित कर दी थी। रेलवे को अपनी बुकिंग भी सरकार दे चुकी है। इनमें से 3 जनवरी को दिल्ली रामेश्वरम मदुरई, 7 जनवरी को दिल्ली नागापट्टिनम, 18 जनवरी को दिल्ली अयोध्या, 24 जनवरी को दिल्ली उज्जैन ओमकारेश्वर, 31 जनवरी को दिल्ली जगन्नाथपुरी कोणार्क भुवनेश्वर सहित कई ट्रेनें निर्धारित की गई थी। दिल्ली मेट्रो में कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर 15 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का काम मेट्रो परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना होगा। अब दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ यात्रियों को लेकर चलेगी, यानी कि अब मेट्रो में सीट पर यात्री बैठकर सफर तो कर सकते हैं लेकिन एक सीट छोड़कर खड़े होकर मेट्रो में सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। नए आदेश के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से कहा गया है कि कुल 712 गेट है, इनमें से अब खुलने वाले गेटों की संख्या घटकर 444 कर दी गई है।
जनवरी 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए दिल्ली वासियों को जागरूक और प्रोत्साहित करना है। आप अगर दिल्ली में ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो आपको स्विच दिल्ली अभियान के तहत इलेक्ट्रिक रिक्शा पर 30,000 तक की छूट भी मिल सकती है। इसके लिए आप ऑनलाइन ev.delhi.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ई रिक्शा सब्सिडी योजना 2021 का लाभ लेने के लिए आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास ई रिक्शा का बिल होना चाहिए। ई रिक्शा चालक को ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन कराने के लिए 10 दिनों की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12वीं 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी दस्तावेज हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में शादी का झांसा देकर एक युवती से 5.25 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। एक मैट्रिमोनियल साइट से पहचान बढ़ाकर आरोपी ने पीड़िता को अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वो फिलहाल कनाडा में रहता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो भारत के बेंगलुरु में शिफ्ट होने जा रहा है। यात्रा के दौरान आरोपी ने खुद को एयरपोर्ट पर फंसने की बात की। इसके बाद धीरे धीरे एक ही दिन में रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने मामले की शिकायत जिले के साइबर थाना पुलिस से की। छानबीन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अगर आप नए साल पर कहीं हवाई सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो आप सस्ते में टिकट बुकिंग करा सकते हैं। इंडिगो एयरलाइन के सेल के तहत आप 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हवाई टिकट की बुकिंग करा सकते हैं, जिसके तहत आप 15 जनवरी 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक यात्रा कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जयपुर के लिए हवाई सफर कर रहे हैं तो आपको करीब 1600 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा दिल्ली से लेह के लिए करीब 1700 रुपये, दिल्ली से अमृतसर के लिए 1742 रुपये में यात्रा कर सकते हैं। ये ऑफर पूरे एयरलाइन में 150 से अधिक घरेलू उड़ानों पर लागू हो रहा है। इसके अलावा यात्री एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट www.goindigo.in पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। नए साल के शुरू होने में बस 2 दिन और बाकी है। ये साल लोगों के लिए मिला जुला रहा है। हालांकि साल ज्यादातर समय लोगों का कोरोना से दहशत के साए में गुजरा। कई ऐसी खबरें भी आई जिसने लोगों को व्यस्तता और तनाव के बीच खुशी और सुकून देने का काम किया है। ऐसी ही खबर सामने आई है भारत की ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो की तरफ से। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने ग्राहकों के रुझानों को लेकर एक खुलासा किया है। कंपनी ने अपने इस पोस्ट में बताया कि दिल्ली के एक व्यक्ति तुषार ने 2021 में जोमैटो पर 379 पिज्जा ऑर्डर किए, जबकि जोमैटो के एक दूसरे ग्राहक ने एक ही दिन में आइसक्रीम के लिए 12 ऑर्डर दिए। वहीं स्नैक्स की बात करें तो समोसा सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाला साबित हुआ और इसके 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर जोमैटो को हासिल हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में आए मौसमी बदलाव के चलते दिल्ली NCR समेत समूचा उत्तर भारत अब ठंड की चपेट में आ चुका है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। वहीं 1 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा, इसके बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है। 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आप देख रहे हैं तो दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।